तो मैं अभी जा रहा हूँ महाराणा प्रताप स्मारक, और यहाँ पर महाराणा प्रताप की स्टैचू है, तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ घोड़े के साथ में, चितक घोड़े के साथ में। और ये एक्चुअली ये अलग से म्यूजियम का ही पार्ट है, और ये ऊपर बनाया गया पहाड़ी के ऊपर। इसका किसी महाराणा प्रताप के युद्ध से रिलेटेड नहीं है, ये बस लाइक उनके यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए, थोड़ा अट्रैक्शन बढ़े, इसलिए यहाँ का इसका म्यूज़ियम का निर्माण किया गया है। तो मैं उसी की तरफ ले जा रहा हूँ मैं आपको, और वहाँ का म्यूज़ियम दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये थोड़ी सी चढ़ाई है ऊपर से, आज संडे का दिन है, काफी टूरिस्ट आए हैं। काफी नहीं बोलेंगे लेकिन टूरिस्ट आए हुए हैं कुछ लोग। तो ये धुआ हुआ है, थोड़ी सफाई हुई है सीढ़ियों से शायद यहाँ पर। तो ये है आपका स्मारक बना हुआ है महाराणा प्रताप का, यहाँ ये चारों तरफ देख सकते हैं, फोटो शूट हो रहा है यहाँ पर मोस्टली। क्या आजकल टूरिस्ट फोटोशूट के लिए ज़्यादा आते हैं सेल्सों पे, इनके बारे में कुछ पूछा जाए तो शायद ही कोई एक आध बार बता पाएंगे। हाँ थोड़ी बहुत हिस्ट्री रखते हैं, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो फोटोशूट के लिए। चलो आज संडे का दिन घूम के आते हैं तो ये, लेकिन मैं आज पूरी स्टोरी कवर करने वाला हूँ हल्दी घाटी से जितनी भी रिलेटेड है। और ये देख सकते हैं पूरा हल्दी घाटी का मैदान है यहाँ से। देखिए आप, यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है महाराणा प्रताप और चितक घोड़े के साथ। देखिए यहाँ के जो चारों तरफ का एरिया है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये पहाड़ी के एक चोटी है यहाँ पर, बहुत बड़ा ऊंचाई वाला स्थान है। ये सारा हल्दी घाटी का आप देख सकते हैं युद्ध क्षेत्र, जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यही पूरा वो हल्दी घाटी का मैदान है, और मैं आपको मुख्य दर्रा पर ले जाऊँगा जहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना ने चढ़ाई की थी, और वो स्थान थोड़ा सा ऊंची साइड में है तो वहाँ पर भी मैं आपको ले जाऊंगा। लेकिन आप यहाँ से पहले ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ये पूरा आप देख सकते हैं चारों तरफ। ये अलग से स्मारक बनाया गया, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आज संडे का दिन तो टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं, लेकिन लास्ट टाइम आया तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिला था, एक दो आदमी मिले थे, लेकिन आज संडे का दिन है तो यहाँ पर आए हुए हैं सभी जने। तो मैं पूरा अच्छी कवर कर लेता हूँ यहाँ से मैं।
इसी देखो, ये है हल्दी घाटी का मेन युद्ध का क्षेत्र, लेकिन जहाँ से वो चढ़ाई होती है, जहाँ से युद्ध लड़ा जाता है, वो उस जगह पर भी मैं कवर करने जाऊँगा। और पहले आप देख लीजिए कि जैसे अभी तो काफ़ी यहाँ पर होटल बन चुकी हैं, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं और मैं कवर करने वाला हूँ। बस यहाँ से देखो, ये है आपका हल्दी घाटी का पूरा रण क्षेत्र, और यहाँ पर ही युद्ध लड़ा गया था। आप बीच में जाओगे तो काफ़ी समतल एरिया पड़ेगा, वहाँ पर जंगल झाड़ियाँ हैं और इतना घना जंगल नहीं है, लेकिन जहाँ से दर्रा चालू होता है, जहाँ से महाराणा प्रताप की सेना अंदर की तरफ जाती है और मुगलों की तरफ एक आक्रमण करती है, तो वहाँ का जो दर्रा है बहुत ही घनिष्ट जंगल में तब्दील है। पहले बताते हैं कि पहले उससे भी ज़्यादा वहाँ पर जंगल था, आज तो चंदन की वहाँ पर लकड़ियाँ पाई जाती हैं, चंदन के पेड़ हैं, तो आजकल तस्कर भी ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ पर इतना जंगल नहीं बचा। लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा वहाँ पर तो आपको ले जाऊँगा और देखूँगा किस प्रकार वहाँ पर जंगल है। अभी आप ये म्यूजियम का ये आपका स्मारक है, इसमें देख सकते हैं काफ़ी विशाल मूर्ति लगी हुई है और काफ़ी पर्यटक आए हैं, वो कि सारे फ़ोटो शूट करने में व्यस्त हैं, और एकदम मैं ही यहाँ पर हूँ, जो मैं अपना फ़ोटो नहीं लिया, मैं बस ओनली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मैं सारी जो है महाराणा प्रताप से रिलेटेड जितनी भी स्टोरी है, जितना भी उनसे संबंध यहाँ पर बना गया है, वो ही मैं कवर करने वाला हूँ। तो अभी देख सकते हैं आप, फोटो सबका आना चाहिए जी। हाँ गुरु जी, आप यहीं रहते हैं? बोलो, आप यहीं रहते हैं? हाँ बोलो, क्या है? मैं यहाँ पर जाना, मुझे बलीचा स्थान, बलीचा स्थान के सामने, सामने बलीचा ही, बलीचा ठेठ तक बलीचा, 2 किलोमीटर पर बलीचा ही, बलीचा में। और जहाँ पर समाधि है, समाधि का स्थल है वो किधर है? नीचे समाधि, देखो वो उधर म्यूजियम के नीचे, ये म्यूजियम है, म्यूजियम के नीचे समाधि है, मेन रोड की पहली तरफ। अच्छा, और यहाँ पर घोड़े का जो वो छलांग का वो उसी के पास में, उसी के साथ, बाकी सब तो फोटो लेने में व्यस्त हैं, बस देखने आए हैं यहाँ पर। तो दरअसल डेली आते हैं पर्यटक, या आज ही छुट्टी का दिन है इसलिए थोड़े से आज लगा मुझे? हाँ छुट्टी का दिन है आज, ज़्यादा। हाँ ज़्यादा आ गए ना। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आया तो मेरे यहाँ से पूड़िया जो था रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, और ये देख सकते हैं यहाँ से आप, ये सारी तरफ पहाड़ी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर मेरे चारों तरफ, आप देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल, पहाड़ियाँ मिलेंगी। ये स्मारक है, तो मैं अभी जा रहा हूँ आपका चेतक समाधि जाऊंगा इसके पहले, और इसके बाद फिर मैं जाऊंगा आपका जहाँ पर जो महाराणा प्रताप का जो सेना का जो दर्रा है, जहाँ से अकबर की सेना ने चढ़ाई की थी, वहीं पर मैं जाऊंगा, और वहाँ से फिर मैं जाऊंगा तुम्हारा गुफा है महाराणा प्रताप की, जहाँ पर उनके कुछ मंत्री थे, उनके कुछ सलाहकार, उनसे गुपचुप बातें किया करते थे, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा अभी। तो ये 3 चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, और उसके बाद में फिर मेरा दूसरा टूर रहेगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। अभी हम दूसरी जगह चलते हैं, हम